गुड आफ्टरनून एवरी वन, वेलकम टू योर ऑनलाइन लेक्चर्स. सब्जेक्ट इंग्लिश, चैप्टर 4.7, लेट्स पिक. इन लेट्स पिक में मतलब क्या होगा कि आपको पिक्चर्स देखना है, पिक्चर्स देख के क्वेश्चन आंसर्स करना है. ओके, दिस इज लेट्स पिक. नाउ यू कैन सी दिस फर्स्ट पिक्चर. ये पिक्चर आपको किसका दिख रहा है? पार्क का. और जब भी आप पार्क जाते हो तो वहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ें देखते हो. यू सी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स. सो वी विल स्टार्ट सीइंग. पहले तो ये पिक्चर क्या है? पार्क. फर्स्ट यू विल स्टार्ट फ्रॉम दिस साइड. अभी ये कॉर्नर में आपको क्या दिख रहा है? स्लाइड. अ बॉय इज प्लेइंग ऑन स्लाइड. स्लाइड आपको पता है ना. सेकंड यू कैन सी दिस ट्री. ट्री पे क्या दिख रहा है? मंकी. ओके, दिस सेकंड पिक्चर इज ऑफ ट्री. यानी हम यहाँ पे पिक्चर कंपोजिशन करेंगे, यानी पिक्चर को डिस्क्राइब करेंगे. ओके, कि पिक्चर्स में क्या क्या दिख रहा है. थर्ड पिक्चर इज सीसॉ. सीसॉ आपको पता है ना, ये जो ऐसा रहता है जिसपे एक साइड पे दो जन बैठे हैं, अप डाउन होता है, उसको बोलते हैं सीसॉ. थर्ड वन इज, नेक्स्ट वन इज जंगल जिम. जंगल जिम्स देखो, यहाँ पे ऐसा रहता है, उसको पकड़ पकड़ के आगे बढ़ते जाना, दैट इज जंगल जिम. दिस इज स्विंग्स. और ये स्विंग्स पे क्या हो रहा है? दो गर्ल्स प्ले कर रहे हैं. ओके, और देखो कितने हैप्पी दिख रहे. उसके नेक्स्ट देखो, दो बॉय बलून से प्ले कर रहे. ओके, क्या कर रहे हैं वो लोग? बलून से प्ले कर रहे. नेक्स्ट यू कैन सी अ बेंच. और यहाँ बेंच पे क्या है? दो लेडी बैठे हैं, दो वुमेन्स बैठे हैं और लोग बात कर रहे हैं, गॉसिप्स कर रहे हैं. उसके नेक्स्ट पिक्चर्स में है आपको आइसक्रीम सेलर दिख रहा है. आइसक्रीम वेंडर मतलब आइसक्रीम सेलर. और वो बॉय को आइसक्रीम दे रहा है, मतलब वो क्या कर रहा है? आइसक्रीम वेंडर आइसक्रीम सेल कर रहा है और लोग उससे आइसक्रीम लेके खा रहे हैं. उसके बाद ये पिक्चर्स में है गर्ल जो बाइसाइकिल राइड कर रही है. ओके, एंड ये सब जो है ये आपको दिख रहा है सब ग्रीन्स ग्रीन्स, ये सब बुशेस है यानी ग्रासेस है. आप जब पार्क्स में जाते हो तो आपके नीचे पूरे पैर के नीचे सब क्या रहते हैं? ग्रास रहते हैं, ज़्यादा ग्रासेस रहते हैं, तो उसको बुशेस बोलते हैं. तो ये पूरा पिक्चर्स में क्या देखे अपने पार्क में, तो ऐसे ही क्वेश्चंस रहेंगे कि डू यू गो टू पार्क, तो हम लोग क्या लिखेंगे? यस वी गो टू पार्क. व्हाट डू यू प्ले विथ. अब सब लोग अलग अलग चीज़ से प्ले करते हैं. कोई वहाँ पे बैट बॉल ले जाता है खेलने के लिए, कोई साइकिल, कोई अलग अलग टॉय, कोई बलून से, कोई ऐसे सब स्लाइड्स वगैरह पे प्ले करते हैं. डू यू बाय एन आइसक्रीम. अगर आपको आइसक्रीम सेलर दिखेगा तो डेफिनेटली आप आइसक्रीम बाय करोगे. डू यू लाइक टू वॉक ऑन अ लॉन. आपको ये ग्रासेस पे वॉक करना तो अच्छा लगता है, तो डेफिनेटली येस. डू यू लाइक टू प्ले ऑन सीसॉ. आपको भी सीसॉ पे बैठ के प्ले करना अच्छा लगता है, तो येस. तो इस तरीके से एक पिक्चर दिया रहेगा और उसके नीचे क्वेश्चन, तो ये आपको आंसर करना है. नेक्स्ट पिक्चर इज इन योर रिलायबल पेज नंबर 24. ओके, इसको मैं शॉर्टली डिस्क्राइब करूँगी. ये जो एक पिक्चर है वो बीच का है. एंड यू, वॉट डू यू सी ऑन बीचेस, ये आपको बताना है. देखो बीचेस में सबसे पहले तो आपको ये दिख रहा है वाटर यानी सी. उसके बाद आपको यहाँ पे भी एक आइसक्रीम स्टॉल दिख रहा है. बीच पे बहुत सारा सैंड होता है, सैंड यानी रेती होती है. एंड बच्चे उससे क्या करते हैं? सैंड कास्टल बनाते हैं, यानी उससे महल बनाते हैं सैंड का. और यहाँ पे एक कोकोनट स्टॉल है. और यहाँ पे एक बोर्ड है. और यहाँ पे बॉय बच्चे जो है क्या ऐसे खेल रहे हैं? चिल्ड्रन बॉल से. तो ये पिक्चर्स है टोटल. आपको पिक्चर्स में सी दिख रही है, बोर्ड, आइसक्रीम स्टॉल, सैंड कास्टल, यहाँ पे एक कोकोनट ट्री है, कोकोनट स्टॉल है. अब इसी से आपको रिप्लाई करना है. व्हाट इज सेलिंग इन द सी, मतलब सी में क्या सेल हो रहा है? सेल यानी तैर रहा है, चल रहा है. तो बोट, तो यू विल राइट बोट. व्हाट इज गर्ल एंड बॉय डूइंग, गर्ल और बॉय क्या कर रहे हैं? तो यहाँ पे गर्ल और बॉय सैंड कास्टल बना रहे हैं, यानी रेती का कास्टल महल बना रहे हैं. बीच गेम्स आर द चिल्ड्रन प्लेइंग ऑन द बीच. अब पूरे बीच पे कौन कौन से गेम्स खेले जा रहे हैं? पहले तो यहाँ पे एक सैंड कास्टल बनाया जा रहा है और दूसरा यहाँ पे बॉल से प्ले किया जा रहा है. तो ये दो गेम्स हैं. डू यू लाइक टू विजिट द बीच, आपको बीच विजिट करना अच्छा लगता है? तो यू विल राइट येस. ठीक है, उसके बाद है विच फूड स्टॉल कैन यू सी ऑन द बीच. आपको बीच पे कौन कौन से फूड स्टॉल दिख रहे हैं? तो एक फूड स्टॉल है आइसक्रीम स्टॉल और सेकेंड है कोकोनट स्टॉल. कोकोनट स्टॉल यानी नारियल पानी. यू एवरी वन लाइक नारियल पानी ना, एंड एवरी वन लाइक आइसक्रीम ऑल्सो. तो ये दोनों चीज़ें वहाँ पे बीच पे मिल रही है ताकि चिल्ड्रंस प्ले करे और उसको ईट कर सके. नेक्स्ट पिक्चर यू कैन सी, दिस पिक्चर इज ऑफ सर्कस. ओके, अब सर्कस आप अगर गए होंगे तो आपने अलग अलग वहाँ पे देखे होंगे प्रोग्राम्स होते हैं बैक टू बैक. तो पहला प्रोग्राम यहाँ पे कैसे स्टार्ट करेंगे? वी विल स्टार्ट विथ क्वेश्चंस कि हु इज जंपिंग थ्रू द फायर रिंग. अभी आपको फायर रिंग दिख रहा है, दिस इज द फायर रिंग. तो फायर रिंग से कौन जंप कर रहा है? लायन. तो ऐसा एक जैसा शो होता है कि ऐसे फायर की रिंग लगी हुई रहती है और उसी में से लायन इधर से उधर जंप करता है. तो लायन इज जंपिंग थ्रू द फायर
रिंग, फायर रिंग के आजू बाजू से लायन जंप कर रहे हैं. वॉट इज जोकर डूइंग? नाउ यू कैन सी दिस जोकर, दिख रहा पिक्चर में जोकर क्या कर रहा है? साइकिलिंग, साइकिल चला रहा है. तो यू विल राइट जोकर साइकिलिंग कर रहा है. फिर यहाँ पे नेम द एनिमल यू सी इन द सर्कस. कौन कौन से एनिमल्स आपको सर्कस में दिख रहे हैं? सबसे पहले हमने देखे लायन. सेकेंड यू कैन सी दिस बियर. बियर भी क्या कर रहा है? साइकिल चला रहा है. एंड यू कैन सी दिस एलिफेंट. एलिफेंट क्या कर रहा है? बॉल से खेल रहा है. तो यहाँ पे तीन एनिमल्स है, लायन, बियर एंड एलिफेंट. डिड यू लाइक गोइंग टू सर्कस? सबको सर्कस जाना अच्छा लगता है, डेफिनेटली येस. वॉट इज़ योर फेवरेट एक्ट इन द सर्कस? अभी इन सब में आपका फेवरेट एक्ट क्या है? तो इसमें लिखा है लायन जंपिंग थ्रू फायर रिंग्स. और भी यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ हो रही, देखो गर्ल्स भी यहाँ पे ये स्विंग के ऊपर लटक के यहाँ से वहाँ कर रही है. एलिफेंट भी आपको बॉल वाला स्टंट दिखा रहा है. बियर भी साइकिलिंग कर रहा है. तो इसी पिक्चर्स से रिगार्डिंग आपको कुछ भी क्वेश्चन आ सकते हैं एंड यू हैव टू राइट इन द पेपर. पिक्चर कंपोजिशन में से आइदर ये सैंड कास्टल वाला या तो फिर ये सर्कस, ये दोनों में से कोई भी एक एग्जाम में आपको आएगा. ओके, थैंक यू.